हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक। और भाई, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूं एक ओरिगामी डियर, यानी कि पेपर से बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हिरन की तरह दिखाई देता है। जी हां गाइस, और आप भी ये जो ओरिगामी डियर है अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, नीचे जो लाइक का बटन है उसको भी दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिगामी डियर बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 पेपर की ज़रूरत है, और यहाँ पर मैंने 3 पेपर ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इन पेपर्स को बीच में से काट लेता हूँ और मैं इनके 6 भाग कर लेता हूँ। मैं इनको बीच में से इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मीडियम साइज़ का ओरिगामी डियर बनाना है। अगर आपको बड़ा साइज़ का बनाना है तो आप इनको साबुत ही यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको हाफ हाफ काट देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैंने इनको हाफ हाफ पेपर में काट दिया है। तो यहाँ पर अब मेरे पास हो गए हैं 6 पीसेस। और अब क्या करना है, इस पेपर को हमको फोल्ड करना है। तो देखिए मैं किस तरह से इसको फोल्ड करूँगा। और लास्ट में मैं इस पेपर को फेविकोल की सहायता से चिपका देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैंने 6 की 6 स्टिक्स को बना दिया है। अब क्या करना है, हमें इनमें से हमें 2 स्टिक्स को ले लेना है और इनको हमें मोड़ना है कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा पहले हम इस तरह से मुलायम कर देते हैं। और फिर हमें इसको इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूं। और गाइस, जो दूसरी स्टिक है इसको हमें हाफ में से इसको इस तरह से मोड़ देना है। बिल्कुल इस तरह से। फिर इसको हमें इस तरह से इसके अंदर से निकाल देना है ऐसे, और इसको थोड़ा खींचकर टाइट कर देना है। और गाइस, ये हमारी एक कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर में बन चुका है, गन जैसे स्ट्रक्चर में। तो इसी तरह हमें 3 स्ट्रक्चर इस तरह से बनाने हैं, 2-2 स्टिक्स के पेयर में। तो मैं फटाफट से बना देता हूँ। और गाइस, यहाँ पर मैंने 3 गन्स बना ली हैं। अब बस इनको असेंबल करना यानी कि जोड़ना बाकी है। तो फटाफट से इनको जोड़ देते हैं और उसके बाद जो हमारा ओरिगामी डियर है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 गन्स की ज़रूरत है। तो इनको हमें इस तरह से कुछ जोड़ना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इन दोनों को इस तरह से जोड़ना है आपस में, इसके अंदर इस इनमें अंदर तरह डाल देना है। तो यहाँ से मैं दूसरे वाले को थोड़ा मोड़ देता हूँ जिससे आसानी से अंदर चला जाए। और फिर दूसरे वाले के जो स्टिक है उसके अंदर इस वाली स्टिक को डाल देना है इस तरह से। और उसके बाद मैं इनको फेविकोल की मदद से भी जोड़ देता हूँ। दोनों हिस्सों को जोड़ने के बाद अब हम इसमें तीसरा हिस्सा भी जोड़ देते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से।
और गाइस आप लोग देख सकते हैं ये कुछ कुछ हिरन की शेप में आने लगा है। तो स्ट्रक्चर तो लगभग हमारा बनकर रेडी है, बस गाइस इन सब को हमें सही से चिपका देना है फेविकोल की मदद से। तो मैं इनको सबको चिपका देता हूँ, सही से फेविकोल लगा देता हूँ। और गाइज हमारा जो हिरन है लगभग बन के तैयार हो चुका है, बस इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह चुका है कि हम जो इसके सींग देख रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं। और जो इसके पैर हैं वो भी थोड़े थोड़े हम इस तरह से छोटे कर देते हैं। जो पैर हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से खोल देना है जिससे कि ये खड़ा हो पाए सही से। और जो हमने इसके सींग काटे उसका जो कटिंग है इसको भी हम फेविकोल की मदद से इसकी पूंछ बना देते हैं और इसको चिपका देते हैं एज अ पूंछ। और गाइस फाइनली हमारा जो ओरिगामी डियर है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप भी ये ओरिगामी डियर अपने घर पे बना सकते हैं। तो गाइस आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।